हे हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज का हमारा टॉपिक है जनरल सर्जरी से, जिसमें चैप्टर का नाम है वुंड्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने डेफिनेशन ऑफ वुंड्स और टाइप्स ऑफ वुंड्स कराए थे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग एंड कॉम्प्लिकेशंस इन वुंड हीलिंग। ये दोनों टॉपिक्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीलिंग बाई प्राइमरी इंटेंशन अकर्स इन अ क्लीन इंसाइज्ड वुंड सच एज अ सर्जिकल इंसिजन वेयर देयर इज ओनली अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द एजेस। जो भी जब हम इंसिजन करते हैं, जब सर्जन इंसिजन करता है, तो उन दोनों एजेस के, वुंड के दोनों एजेस के बीच में पोटेंशियल स्पेस रहता है, जो हीलिंग में बहुत ज़्यादा जल्दी हीलिंग होने में हेल्प करता है। तो ऐसे स्कार्स क्लीन होते हैं, नीट होते हैं और बहुत थिन होते हैं। उसके बाद सेकंड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, ये क्यों होती है? इन्फेक्टेड होती है, डिस्चार्जिंग ऑफ पस की वजह से होती है, और वुंड्स विद स्किन लॉस, ऐसे वुंड्स में ज़्यादातर होती है जिनमें पूरी की पूरी स्किन लॉस हो जाती है किसी एक्सीडेंट में। तो ऐसे वुंड्स जब हील होते हैं तो अगली स्कार्स रह जाते हैं, और ऐसे वुंड्स में हम ग्राफ्टिंग भी करते हैं ताकि स्किन का जो लॉस हुआ है, एक तो वो इन्फेक्शन ना हो, प्लस एस्थेटिक रूप से। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, कंपोनेंट्स ऑफ वुंड्स हीलिंग। वुंड हीलिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या स्टेजेस होती है वुंड हीलिंग की? चार स्टेजेस होती हैं, आपको कैसे याद रखनी है? EWCS, यानी कि एपिथेलियलाइजेशन, वुंड कॉन्ट्रैक्शन, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन एंड स्कार फॉर्मेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एपिथेलियलाइजेशन। आपको सरफेस एपिथेलियम की सभी लेयर्स पता है, उसमें सबसे नीचे बेसल सेल लेयर होती है, उसमें होती है जर्मिनेटिंग पावर यानी कि मल्टीप्लिकेशन पावर। तो जो भी वुंड है उसकी जो मार्जिनल बेसल सेल्स हैं यहाँ पे, वो ज़्यादा प्रोलिफरेट करेंगी और माइग्रेट करेंगी। तो यहाँ पे वही लिखा है, एपिथेलियलाइजेशन अकर्स मेनली फ्रॉम द एजेस ऑफ द वुंड बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल माइग्रेशन एंड सेल मल्टीप्लिकेशन, और ये जनरली किनसे होता है? मार्जिनल बेसल सेल से। 48 आवर्स के अंदर अंदर एंटायर वुंड री एपिथेलियलाइज हो जाता है। उसके बाद सेकंड है वुंड कॉन्ट्रैक्शन। वुंड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? मायोफाइब्रोब्लास्ट की वजह से। मायोफाइब्रोब्लास्ट कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर होता है इनका, जिसकी वजह से वुंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और ये स्टार्ट कब होता है? 4 दिन से लेके 14 दिन तक ये होता है। सो थर्ड स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग इज कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन, टू बी मोर प्रिसाइज ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। इसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है। ग्रैनुलेशन टिश्यू में क्या क्या होता है? एक तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, फाइब्रोब्लास्ट, प्लस मैक्रोफेजेस होते हैं, और उसके अलावा छोटी छोटी यानी कि टाइनी कैपिलरीज होती हैं। इन तीनों को मिला के हम ग्रैनुलेशन टिश्यू बोलते हैं, जिसका वुंड हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल रोल होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंजरी के बाद क्या होता है? अगर यहाँ पे चोट लगी है तो सबसे पहले ब्लड में से यहाँ पे प्लेटलेट आके इकट्ठी हो जाएंगी, थक्का जमा लेंगे ताकि ब्लीडिंग बंद हो सबसे पहले। उसके बाद प्लेटलेट्स, मास्ट सेल्स और ग्रैनुलोसाइट्स, ये तीनों क्या रिलीज करेंगी? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, जो क्या करते हैं? कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं। उसके बाद काइनिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्ट करते हैं, काम में आते हैं। ये किसका काम करते हैं? कीमोटैक्टिक रोल का। कीमो यानी कि केमिकल्स, टैक्टिक मतलब अट्रैक्ट करना। ये किनको अट्रैक्ट करते? बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स को और फाइब्रोब्लास्ट को, ताकि वुंड्स पे वो इकट्ठी हो जाएं और ग्रैनुलेशन टिश्यू जल्दी से जल्दी बनाए। यहाँ पे अगर मैं वुंड हीलिंग के डेज बाय डेज बात करूँ तो डे 0 to 1 पे होता है टिश्यू पहले तो लॉस होता है, उसकी वजह से प्लेटलेट्स वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन। उसके बाद प्लेटलेट्स क्या रिलीज करते हैं? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। उसके बाद 0 to 2 days, यानी कि अभी इंजरी एक्यूट है। आपको ये इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि एक्यूट इंजरी में हमेशा न्यूट्रोफिल्स होती हैं, यानी कि PMN, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स। सो न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं? नेक्रोटिक या फिर डेड टिश्यू को रिमूव करती हैं, प्लस उसके बाद फिर क्या होता है? एपिथेलियलाइजेशन। उसके बाद अगर आप 2 दिन के बाद बात करोगे, 48 आवर्स टू 96 आवर्स, उसमें फिर आ जाते हैं
पीएमएनएल की जगह मैक्रोफेजेस यानी कि न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट डिमिनिश हो जाती है यानी कि कम हो जाती है और मैक्रोफेजेस की बढ़ जाती है, तो इसे हम कहेंगे क्रोनिक सिचुएशन, क्रोनिक इन्फेक्शन या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स बढ़ती हैं और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन तक आते आते न्यूट्रोफिल्स घट जाती है, उनके जगह मैक्रोफेजेस बढ़ जाती हैं। मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, फेगोसाइटोसिस, कोई भी डेड नेक्रोटिक टिश्यू है उसको मारती हैं। उसके बाद 5 to 7 days में क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं, प्लस उसके साथ ग्रेन्युलेशन टिश्यू प्रॉपर बन जाता है। क्यों बनता है, हीलिंग जल्दी हो जाए इसलिए। तो यहाँ पे वही बताया है 48 आवर्स में पीएमएनएल्स यानी कि न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगी जो डेड और नेक्रोटिक टिश्यू को हटाएंगी। उसके बाद 3 to 5 days में न्यूट्रोफिल्स घट जाएंगी, डिमिनिश का मतलब होता है घटना। उसके बाद मोनोसाइट्स या फिर मैक्रोफेजेस बढ़ जाएंगी जो स्पेशलाइज्ड सिक्वेंजर होती हैं। उसके बाद 5 to 6 days में फाइब्रोब्लास्ट आते हैं और ग्रेनुलेशन टिश्यू बनाते हैं। ग्रेनुलेशन टिश्यू कैसे बनाते हैं, बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट रिलीज करते हैं प्रोटोकोलाजन। प्रोटोकोलाजन कन्वर्ट होता है कोलाजन में, किसकी हेल्प से, प्रोटोकोलाजन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बनी वो कैसी बनी, फाइबर जेल फ्लूइड सिस्टम, जिसमें फाइबर काम करते हैं आयरन रोड का, जेल काम करते हैं सीमेंट का और फ्लूइड सिस्टम काम करता है वाटर का। ये तीनों किसके लिए यूजफुल होते हैं, कंक्रीट स्लैब बनाने के लिए, जो घरों में स्लैब बनाए जाते हैं उसको बनाने के लिए ये तीनों काम करते हैं। इन्हीं के इक्विवेलेंट है फाइबर जेल और फ्लूइड सिस्टम, इसलिए वुंड हीलिंग की इस प्रोसेस को इन्होंने यहाँ पे नाम दिया था कंक्रीट स्लैब लेइंग। उसके बाद है लास्ट स्कार फॉर्मेशन, जब वुंड हील हो जाएगा प्रॉपर तो उसके बाद उसका स्कार रह जाएगा। तो इसमें क्या क्या होता है, जो भी वेस्कुलरिटी थी सबसे पहले उसको हील करने के लिए, अब वो धीरे धीरे कम होते जाएगी, डीवेस्कुलराइजेशन होता जाएगा। उसके बाद फाइब्रोप्लाजिया एंड लेइंग ऑफ कोलाजन इज इंक्रीज्ड, देन एपिथेलियलाइजेशन कंटिन्यू होता रहेगा। उसके बाद इनग्रोथ ऑफ लिम्फेटिक एंड नर्व फाइबर टेक प्लेस और लास्ट में रिमॉडलिंग ऑफ कोलाजन टेक प्लेस। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, सबसे पहला इन्फेक्शन इज द इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले इन वुंड हीलिंग। क्यों करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया एंडोजिनस होते हैं, वो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, पस फॉर्मेशन होती है, इन्फेक्शन बढ़ता है, उसकी वजह से वुंड हीलिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसे केसेस में हमें पस का कलेक्शन करना है, उसके बाद कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट्स के लिए लैब में भेज देना है, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक पेशेंट को देनी है। उसके बाद सेकंड है अगली स्कार। इन्फेक्शन जिस वुंड में होता है उसकी हीलिंग के बाद स्कार अगली हो जाते हैं। थर्ड है किलोइड। किलोइड एक हाइपरट्रोफिक होती है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट, जो इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट होती है, वो ज़्यादा डिवाइड करती है यानी कि प्रोलीफरेट करती है। उसके बाद फोर्थ है इंसिजनल हीनिया। फिफ्थ है पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन की। और सिक्स्थ है मर्जोलिन्स अल्सर, जो एक नॉन हीलिंग अल्सर होता है। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। थैंक यू एंड बी हैप्पी।